क्रोध पर विजय। एक व्यक्ति के बारे में यह विख्यात था कि उसको कभी क्रोध आता ही नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ बुरी बातें ही सूझती है। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक ने निश्चय किया कि उस अक्रोधी सज्जन को क्रोध दिलाया जाए और वह लग गया अपने काम में। उस व्यक्ति ने उस प्रकार के लोगों की एक टोली बना ली और उस नौकर से कहा, यदि तुम अगर अपने मालिक को उत्तेजित कर सको तो हम तुम्हें 1,00,000 का पुरस्कार देंगे। इतने सारे पैसों के बारे में सोचकर नौकर तैयार हो गया। वह जानता था कि उसके स्वामी को क्या पसंद है और क्या नहीं। उसके स्वामी को सुकड़ा हुआ बिस्तर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उस रात नौकर ने बिस्तर ठीक ही नहीं किया। प्रातः काल होने पर मालिक ने नौकर से केवल इतना कहा, कल बिस्तर ठीक नहीं था। तब सेवक ने बहाना बना दिया, मैं ठीक करना भूल गया था। पर भूल तो नौकर ने की ही नहीं थी, तो सुधरती कैसे। इसलिए दूसरे और तीसरे दिन भी बिस्तर ठीक नहीं बिछा था। तब मालिक ने नौकर से कहा, लगता है कि तुम बिस्तर ठीक करने के काम से ऊब गए हो और चाहते हो कि मेरा ये स्वभाव टूट जाए और मैं तुम पर क्रोध करूं। पर कोई बात नहीं, अब मुझे सुखड़े हुए बिस्तर पर सोने की आदत पड़ती जा रही है। अब तो नौकर ने ही नहीं बल्कि उन दूतों ने भी हार मान ली थी जो क्रोध दिलाना चाहते थे। कहानी से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पे विजय प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।